एक मदद की ऐसी कौन सी छुपाई है जो आपके ही मुश्किलों को सबसे आसानी से हल कर सकती है? देखिए, रामचरितमानस की तो एक एक चौपाई अपने आप में मंत्र है, जीवन जीने की कला सिखाती है, बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी कुछ चौपाइयों में से जो एक चौपाई मुझे अच्छी लगती है, जब भगवान श्री राम वनवास काल के लिए जाने लग गए तो माता जानकी ने कहा कि प्रभु मैं भी साथ में चलूंगी, तो भगवान श्री राम ने कहा रे देवी आप क्यों चलती है, मैं यूँ गया और यूँ आया, तो माता जानकी ने बोला कि कैसे आप यूँ गए यूँ आए, 14 वर्ष की अवधि यूँ गए और यूँ आए थोड़ी बीत जाती है प्रभु। तब माता जानकी को भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया, देवी दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिखवन सुनाऊ हमारा, देवी दिन बीते देर नहीं लगती, चाहे 14 वर्ष हो या 1400 वर्ष हो, हम और आप भी अपने जीवन के पन्ने पलट के देखेंगे तो लगेगा अभी कल ही की बात थी। अरे जिसने बहुत सुख भी भोगा हो इस संसार में, बड़े बड़े पद पे भी रहे हो, वो भी एक दिन रिटायर हो जाते हैं, दिन बीते देर नहीं लगती, सुख के दिन भी चले जाते हैं, और किसी ने कष्ट भी बहुत सारा भोगा हो वो भी आज अगर वो इस बात को पीछे याद करे तो समझ में आएगा कि वो भी दिन चले जाएंगे, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, दिवस जात नहीं लागे बारा। तो कभी बहुत सारा संकट आ जाए जीवन में तो इसी चौपाई को याद कर लीजिए कि दिन बीते देर नहीं लगती, ये दिन भी चला जाएगा, और कभी बहुत अच्छे दिन आ जाए तो इसी को सोच के अभिमान में मत आइएगा क्योंकि ये दिन भी नहीं रहेगा, दिन बीते देर नहीं लगती, रामचरितमानस की सबसे अच्छी चौपाइयों में मेरे मत में, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी चौपाई लगती है।